हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन से बिना कुछ भी डिलीट किए फ़ोन का स्टोरेज कैसे खाली कर सकते हैं। यानी कि आपका फ़ोन काफ़ी सारे फाइल, फ़ोटो और वीडियो से भर चुका है, तो आप बिना कुछ भी जो है डिलीट किए अपने फ़ोन से स्टोरेज को खाली कर सकते हो। यानी कि आपको अपने फ़ोन में से ना ही फ़ोटो डिलीट करना पड़ेगा, ना ही वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा, और ना ही फाइल और ना ही कोई ऐप्स को भी डिलीट करना होगा। यानी कि बिना कुछ डिलीट किया आपको अपने फ़ोन में से कुछ भी डिलीट नहीं करना है। आप जो है अपने फ़ोन को खाली कर सकते हैं, यानी कि उसका स्टोरेज जो भर चुका है वो खाली हो जाएगा। इसके लिए जो है आपको अपने फ़ोन में बस एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि फ़ोन स्टोरेज खाली कैसे करते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, यहाँ पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर एक घंटी आएगा, इसको दबा के ऑल पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। फ़ोन स्टोरेज को खाली करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो है फ़ोन स्टोरेज अभी जो है यहाँ पर 10 GB खाली है। इसको मैं और भी ज़्यादा खाली करके आपको दिखाने वाला हूँ और कुछ भी डिलीट भी नहीं करूँगा। वहीं आप मेरी फ़ोटोज़ देख सकते हो, टोटल फ़ोटोज़ मेरी जो है 1348 है और टोटल वीडियो जो है मेरी 451 है। ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई फाइल, ना कोई फ़ोटो, ना कोई वीडियो मैं डिलीट करूँगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटी सी सेटिंग अपने फ़ोन में करनी है, जो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी होती है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी सेटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अगर आपको भी ये सेटिंग के बारे में नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको अपने फ़ोन में क्या सेटिंग करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में जो है सेटिंग को ओपन कर लेना है, और सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड में आओगे तो नीचे की साइड में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप मैनेजमेंट का, देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको जस्ट जो है इसी पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन ये जो ऑप्शन है आपको ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा है ऐप लिस्ट का, तो आपको इस पर ही क्लिक करना होगा। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको जो है अपने फ़ोन में जहाँ पर भी सारी की सारी एप्लीकेशन होती हैं उसकी एक लिस्ट बनी होती है, आपको जस्ट उसी सेटिंग को ओपन करना है अपने फ़ोन में इस तरीके से, जहाँ पर सारी की सारी एप्लीकेशन इस तरीके से आ जाएंगी। अब आपको अपने फ़ोन में सेटिंग क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बारी बारी से सभी एप्लीकेशन का जो है डाटा क्लियर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन का क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये YouTube है, YouTube देख सकते हो टोटल ऐप जो है 195 MB का है, लेकिन ये टोटल मेरे फ़ोन का स्टोरेज जो है 1 GB 2.5 GB, यानी लगभग 1.5 GB आप कह सकते हो, इतना ज़्यादा घेर चुका है। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूँगा और ओके कर दूँगा। क्लियर करने के बाद अभी ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर देख सकते हो, और ये जो इसका साइज़ है वो एक्चुअल साइज जितने मतलब जितना कि पहले था उतना ही हो जाएगा इस तरीके से। फिर आपको बैक आना है। इसी तरीके से बैक आने के बाद जो है आपको और भी एप्लीकेशन का जो है डाटा क्लियर करना है। जैसे इसी तरीके से हम इंस्टाग्राम को भी क्लियर कर देते हैं। आप जिस एप्लीकेशन को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो वही जो है आपके फ़ोन का स्टोरेज ज़्यादातर घेर के रखी हुई है। आप बारी बारी से जो है सभी को जो है इस तरीके से क्लियर कर दीजिए। यहाँ पर मैं फेसबुक को भी जो है यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देख सकते हो फेसबुक का साइज जो है इतना है, और इतना ज़्यादा ये क्लियर कर चुका है, मतलब ले चुका है डाटा हमारा स्टोरेज। तो इसको भी क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको चलता हूँ बैक और आप सभी को दिखाता हूँ कि कितना स्टोरेज खाली हुआ है। कुछ मैंने डिलीट भी नहीं किया है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैं फाइल मैनेजर में आ चुका हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो टोटल 12.3 GB मेरा स्पेस खाली हो चुका है। पहले कितना था, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन अभी ये 12 GB, टोटल 2 GB मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 एप्लीकेशन का डाटा क्लियर किया है, और टोटल मेरे 2 GB बढ़ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप जो है इसी तरीके से जो है जितने भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन हैं जिन्हें आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो, अगर उन सभी का डाटा अगर आप क्लियर कर देते हो तो आपके फ़ोन में एक अच्छा खासा स्टोरेज जो है खाली हो जाता है। और इसके लिए आपको कोई भी जो है एप्लीकेशन को, कोई भी फाइल को, कोई भी फ़ोटो वगैरह को डिलीट भी नहीं करना होता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मेरी टोटल फ़ोटो भी टोटल यहाँ पर दिखा रहा है 1348, और यहाँ पर वीडियो भी 451, सारी की सारी मेरी चीज़ें सेम है। बस मैंने क्या किया है, डाटा को क्लियर कर दिया। जो फालतू की एप्लीकेशन हमारा फ़ोन का जो है डाटा ले करके रखती हैं उसे ही आपको हटा देना है।
इसके बाद जो है आप अपने फोन को काफी ज्यादा स्मूथ इस्तेमाल भी कर पाओगे, और आपका फोन अगर हैंग करता था पहले तो अब हैंग भी नहीं करेगा क्योंकि उसमें काफी ज्यादा स्पेस हो चुका है। तो दोस्तों अगर मैं सारी एप्लीकेशन का डाटा क्लियर करके आपको दिखाने लगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है अपने फोन में सभी एप्लीकेशन को उन सभी का डाटा क्लियर कर सकते हो और अपने फोन स्टोरेज को काफी ज्यादा जो है बढ़ा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही टेक्निकल वीडियो अपलोड होती है।